वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 में क्या बताया गया जरा देखते देखो। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ एंड एनओ टू आर दिस मच। फर्स्ट थिंग दे हैड गिवन अस दिस, ध्यान से देखिए। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ एंड एनओ टू, रिमेंबर वेन एवर दे गिव यू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज एंथाल्पी। वॉट इट इज स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे हैड गिवन। द फर्स्ट थिंग वॉट दे हैड गिवन इज स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ एंड एनओ टू, करेक्ट। एंड देन सेकेंड पॉइंट दे आर गिविंग अस द एंट्रोपीज ऑफ एनओ ओ टू एंड एनओ टू आर एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर इज 210.45, 205 एंड -240.6 किलो जूल पर मोल। फर्स्ट थिंग दे हैड गिवन द एंथाल्पी, सेकेंड थिंग दे आर गिविंग अस इज एंट्रोपी। फर्स्ट दे हैड गिवन अस, यहां पे क्या दिया था उन्होंने, एंथाल्पीज दिया, अभी क्या दिया उन्होंने, एंट्रोपी दिया। एंड देन दे आर आस्किंग अस कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चार चीजें पूछी है एक साथ, कितनी चीज पूछ रखी देखो, यहां पे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, सबसे लंबा समय अब तक जितने भी कंसेप्ट हमने किए वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले द रिएक्शन उन्होंने कौन सा दे रखा है, सो गिवन रिएक्शन, टू एनओ गैस प्लस ओ टू गैस, टू एनओ टू गैस, ये दे रखा है। व्हाट एल्स दे हैव गिवन अस, दे हैव गिवन अस एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आई थिंक सो उन्होंने शुरुआत में ही दिया एन ओ एन एन ओ टू 90.37 एंड 33.85, एन ओ एंड एन ओ टू 90.37 एंड 33.85 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इन्फॉर्मेशन विच दे हैव गिवन इज द एंट्रोपीज ऑफ एनओ ओ टू एंड एनओ टू आर 210.45, 205 एंड 240.6। एंट्रोपीज ऑफ सिक्वेंस इज एनओ एनओ ओ टू एंड एनओ टू आर 210.45, 205 and 240.6 joule per kelvin per mole, okay. They have asked us to find out what they have asked, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। सबसे पहले डेल्टा एच फाइंड करते हैं। नाउ डेल्टा एच आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में अगर हम रिएक्शन देखते हैं ध्यान से, तो हमारे पास 2NO2 है एंड रिएक्टेंट पे 2NO2 है। तो वी कैन राइट ओवर हियर टू टाइम्स डेल्टा एच ऑफ एनओ टू, रिएक्टन में टू टाइम्स डेल्टा एच ऑफ एनओ प्लस डेल्टा एच ऑफ ओ टू, करेक्ट। एनओ टू की वैल्यू हमारे पास है 33.85, NO की वैल्यू हमारे पास है 90.37, ओ टू की फॉर एलिमेंट्स ऑलवेज एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो। सो व्हाट आर वी गेटिंग ओवर हियर, कैन यू गिव मी द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर।
कितना है बेटा? माइनस 113 0 ये किलो जूल पर मोल में मिलेगा, डेल्टा एच मिला वी में, राइट आंसर वन। चार आंसर फाइंड करने। सेकंड थिंग, डेल्टा एस, डेल्टा एस के लिए भी सेम फॉर्मूला, समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपके पास क्या है? तो प्रोडक्ट में अगेन टू एनओ टू, सो टू डेल्टा एस ऑफ एनओ टू माइनस टू डेल्टा एस ऑफ एनओ डेल्टा एस ऑफ ओ टू। यहां पे हमें वैल्यूज दे रखी है एनओ एनओ टू एंड ओ टू, तो पहले एनओ टू की चाहिए, इसलिए टू टाइम्स 240.6 एनओ 210.45 ओ टू 205 वॉज द फाइनल आंसर। हाउ मच? माइनस 144.7। रिमेंबर ये जूल में मिल रहा है, किसमें मिल रहा है आपको? जूल पर केल्विन पर मोल। ये हो गया आपका आंसर टू। आगे हम डेल्टा जी फाइंड करने वाले, लेकिन एक चीज याद रखना, डेल्टा जी में डेल्टा एस की वैल्यू और उसका यूनिट और डेल्टा एच का वैल्यू का यूनिट दोनों सेम होने चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। एक जूल में है, करेक्ट, एंड एक किलो जूल में है। तो उसके लिए हम एक स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस 0.1447 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। रिमेंबर दैट, डू दैट, बराबर है कि वो करना जरूरी है, उसके बिना करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देन डेल्टा जी इक्वल्स टू, वी हैव फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच आपको मिला है माइनस 113.04, टेम्परेचर है 298 और ये आया माइनस 0.1447। गेट मी द फाइनल आंसर। आर यू श्योर? माइनस 0.9194। ये हो गया आंसर नंबर थ्री, करेक्ट? आर यू फॉलोइंग मी? Now what do we need is, we need to find out value of delta S, sorry, equilibrium constant. Now delta G equals to minus 2.303 RT log K. Delta G आपके पास मिल चुका है minus 69.9194, तो can I write 92? माइनस 2.303 आर की वैल्यू 8.314 10 रेस टू माइनस 3, टेम्परेचर 298 लॉग के, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी, 69.92 को डिवाइड करेंगे 2.303 8.314 10 रेस टू माइनस 3 298 कितना आ रहा है? 12.2540 के फाइन करना है
के इक्वल्स टू मिलेगा एंटी लॉग ऑफ 12.2540। लेट्स फाइंड आउट द एंटी लॉग। कितना आ रहा है? 1.1795 इंटू 10^12 बराबर ना। ये जो है वो 10 के पावर में जाएगा, करेक्ट? आप इतना लिख लीजिए।